नमस्कार। एक्सरसाइज 2.2 के अपने कल तक 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे जी। ठीक है, अगर 3 क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हमारा जी क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होगा जी। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 चल रही है, क्वेश्चन 3 तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4 आज होना शुरू होता है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जी, फाइंड द प्रोडक्ट ही निकालना है यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, प्रॉपर्टी के हिसाब से अपना वो करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट है जी, जैसे मैं आपको करवा देता हूँ, पहला पार्ट है जी 738 × 103। ठीक है, तो सूटेबल रीअरेंजमेंट से करने हैं जी अपने को, कुछ भी नहीं करना, बस मतलब इन मल्टीप्लिकेशन को करना है, प्रोडक्ट को निकालना है, लेकिन थोड़ा सा इजी मैटर से। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा चेंज करोगे, चेंज कैसे करोगे, 738 × 100 + 3 इसको लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि 100 + 3 आना तो वही है। ठीक है, कुछ अलग तो मैंने लिखा ही नहीं, ये 103 है, इसका मतलब क्या है, 100 + 3 आना तो वही है। ठीक है, अब अपने को क्या कर देना है, इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना। प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो पहले क्या आएगा, 738 × 100 + 738 × 3, यहाँ तक कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन तो अपने को पता ही है, 738 और लास्ट में क्या आएगा, 20। ठीक है, और 738 और 3 का मल्टीप्लाई क्या आएगा जी, देखो करके, 3 × 8 = 24, 2 × 3 = 9 × 2 = 11 1 × 3 = 21 और 1 = 22, क्या आएगा जी, 2214। और जब दोनों को ऐड करोगे तो अपना आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, ऐड करके देखो, 4, ठीक है, 1, 8 × 2 = 10, 3 × 2 = 5 और 1 = 76 0 14। ठीक है, तो ये अपना क्या निकल के आया जी, आंसर निकल के आया। मेरे कहने का अर्थ क्या है, इसको इजी तरीके से करना है, वो कैसे होगा, 738 × 103 दे रखे हैं, 103 को चेंज करना है 100 + 3, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा जी, इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये पहला पार्ट है जी। सेकंड पार्ट आपको खुद से करके देखना है, नहीं आता है तो आपको पूछना है, एक पार्ट मैं करवाऊंगा, एक पार्ट आपको करना है। ठीक है, तो तीसरा पार्ट मैं करवाऊंगा, ठीक है, तीसरा पार्ट मैं करवाऊंगा, दूसरा पार्ट आपको करके देखना है जी। तीसरा पार्ट क्या जी, 258 × 1008। ठीक है, 1008, तो वही है, कुछ भी नहीं करना, अपने को सिर्फ क्या कर देना है, इसको +8 लिख देना है। ठीक है, फिर वही प्रॉपर्टी लगा देनी है, पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन तो अपने को पता ही है, लास्ट में क्या आएगा, 3 × 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन आप करके देखना है। ठीक है, कितना आएगा, करके देखोगे तो 2064, और इनको जोड़ देना जी, अपना आंसर निकल के आएगा, जोड़ोगे तो क्या मिलोगे, 2664। ठीक है जी, ये अपना निकल के आया जी। ठीक है, ये तीसरा पार्ट था जी, मतलब चाहे पहला पार्ट हो, दूसरा पार्ट हो, तीसरा पार्ट हो, चौथा पार्ट हो, सारे के सारे पार्ट सेम है जी। ठीक है, तो चौथा पार्ट अब आपको करके देखना है, नहीं आता है तो आपको पूछना है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया जी, अपना कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक टैक्सी ड्राइवर, ठीक है, फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक। अपनी टैक्सी ड्राइवर है, वो क्या करता है, फिल करता है कार के अंदर पेट्रोल को, कितने, 40 लीटर पेट्रोल। ठीक है, मंडे के दिन कितने डलवाते थे, क्वेश्चन नंबर 5, मंडे को वो अपनी कार के अंदर 40 लीटर पेट्रोल डलवाता है। ठीक है, कितना डलवाता है, 40 लीटर डलवाता है, और नेक्स्ट डे को वो कितना डलवाता है जी, नेक्स्ट डे को वो डलवाता है 15 लीटर। ठीक है, 50 लीटर, 50 लीटर डलवाता है जी। ठीक है, और इफ द पेट्रोल कॉस्ट, अगर पेट्रोल की कॉस्ट जो है वो क्या है, 44 रुपये पर लीटर, 44 पर लीटर। ठीक है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल कितनी है, ठीक है, 44 रुपये है जी, ये आपको पूरा लिखना है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करने लग रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिखने लग रहा, मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको, मंडे को 40 लीटर, नेक्स्ट डे 50 लीटर लिया, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट 44 रुपये है। ठीक है, और हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल पेट्रोल, ठीक है, उसने कितना स्पेंड किया, मतलब बात ये, अब ध्यान से देखो, मंडे को 40 लीटर डलवाया, नेक्स्ट डे को 50 लीटर डलवाया, टोटल पेट्रोल उसने डलवाया जी 19 लीटर, टोटल तो इतना ही डलवाया है। ठीक है, और 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 44 रुपये है, तो 90 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी होगी, सीधी सी बात है जी,
अगर 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 44 रुपये है तो 90 लीटर की 90 गुणा 44, ठीक है, 90 गुणा 44 कितना आएगा जी, 3960 रुपये। ठीक है, यानी कि मंडे को 40 लीटर पेट्रोल डलवाया, ट्यूजडे को 50 लीटर, टोटल 90 लीटर हो गया। 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 44 रुपये है तो टोटल की कितनी हो गई, 3960 रुपये। ठीक है जी, ये 5 का क्वेश्चन था जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल ही ऐसा ही एज इट इज है। अब की बार क्या है, वेंडर सप्लाईज, ठीक है, 32 लीटर ऑफ मिल्क, 32 लीटर मिल्क टू ए होटल में देता है मॉर्निंग में, और 68 लीटर 68 लीटर देता है इवनिंग में। देखो मॉर्निंग में वो होटल में दूध देता है कितना, 32 लीटर, और इवनिंग में वो देता है 68 लीटर। टोटल कितना दिया उसने, 100 लीटर, पूरे दिन का तो 100 लीटर ही दिया। एक होटल के अंदर वो मॉर्निंग में 32 लीटर दे के आता है दूध, ठीक है, इवनिंग में 68 लीटर दे के आता, तो टोटल दिन का क्या हो गया, 100 लीटर हो गया। ठीक है जी, और कॉस्ट क्या है जी, 15 रुपये पर लीटर है कॉस्ट। ठीक है, कितनी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क कितनी है, 15 रुपये है जी। ठीक है, तो 100 लीटर का अपना कितना इसने पूछ रखा है, तो हाउ मच मनी इज ड्यू टू वेंडर पर डे, कितने मनी देनी पड़ती है दिन की। ठीक है, तो सीधी सी बात है जी, 100 लीटर जाता है पूरे दिन में तो दूध, ठीक है, पूरे, तो 1 लीटर का प्राइस 15 रुपये, तो 100 का कितना होगा, 15 × 15 × 100 यानी कि 1500 रुपये। ठीक है जी, ये अपना क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया जी। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज हैं, बिल्कुल सेम है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर आपको आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको खुद से करके देखना है। इसके अंदर ये पूछ रखा है कि इसके कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्पिटिटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव है या एसोसिएटिव है। बिल्कुल ईजी सवाल है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, आप बता सकते हो देखते ही कि कौन से में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है, कौन से में एसोसिएटिव है, कौन से में डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कम्प्लीट हो चुकी है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है एक्सरसाइज 2.2 में तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।